सर, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं और मैं आप दोनों का ही बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका जो यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी जल्दी ग्रो हुआ है, तो ऐसे और भी यंगस्टर्स हैं जो अपने जॉब या अपने बिजनेस के साथ ये अपना पैशन या हॉबी फॉलो कर रहे हैं, तो सर उनके भी लाइफ में, आपके भी लाइफ में फेलियर्स आए होंगे, सो हाउ यू हैंडल फेलियर्स सर? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आपके? मैं हूं आपका दोस्त रशप्रीत सिंह। तो आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि परसों ही मुझे पता चला कि मुझे संदीप महेश्वरी जी के सेशन में इनवाइट किया गया है और मैं अभी वहीं जा रहा हूं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि यार जिस इंसान को आप रोज वीडियोज में देखते हो, ठीक है, उनके सेशंस अटेंड करते हो, उनके बड़े बड़े सेमिनार्स देखते हो, उनसे जाकर मिलने का मौका मिले तो भाई कौन ही छोड़ता है। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और फाइनली आज मुझे वो मौका मिला है कि मैं उनके सेशन में जाऊँ। तो बस अभी 8:30 हो रहे हैं और 9 बजे का सेशन है और मैं रास्ते में ही हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे सेशन होता है, लाइव देखने का मौका मिलेगा आज मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई यार ये सोच सोच के। मैंने व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया बट मुझे नहीं पता कि उनके सेशन में फ़ोन अलाउड होता है नहीं होता, मैं कुछ बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा पाऊँ कि वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, लाइव सेशन कैसे होते हैं, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। वो वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि कौन आता है। उनका एक पॉपुलर जो एपिसोड की सीरीज चल रही है कि वो यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं, तो आज देखते हैं कौन सा यूट्यूबर आता है और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ और देखो शायद मिलने का भी मौका मिल जाए उनसे। जैसे जैसे जो जो होता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा और पूरा एकदम आपको अनफिल्टर्ड चीजें दिखाऊंगा जो होती हैं एग्जैक्टली। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ और बस फर्स्ट फ्लोर पर है, वहीं जा रहा हूँ। सर, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं और मैं आप दोनों का ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यहाँ पर सारे साइंस की बातें कर रहे हैं कि आपके वीडियोस अच्छे हैं, सर की मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं। सर, मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है आपके चैनल से बट ये पूछना है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी जल्दी ग्रो हुआ है, तो ऐसे और भी यंगस्टर्स हैं जो अपने जॉब या अपने बिजनेस के साथ ये अपना पैशन या हॉबी फॉलो कर रहे हैं, तो सर उनके भी लाइफ में, आपके भी लाइफ में फेलियर्स आए होंगे, सो हाउ यू हैंडल फेलियर्स सर? जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम, मेरे हिसाब से दो चीज़ें जो है वो बहुत गलत करते हैं। एक है कि हम ना हर चीज़ में बहुत परफेक्शन को ढूंढते हैं और उस चक्कर में हमें कहीं बार डिमोटिवेशन होता है। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक स्केल और एक पेंसिल से 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हैं? सर, मेरे अकॉर्डिंग ये कोई भी नहीं कर सकता है। रीज़न बीइंग, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचना इट इज़ नॉट पॉसिबल अगर मैं बहुत परफेक्शन पे जाऊँ। रीज़न है कुछ। पहला रीज़न, कोई भी स्केल 100% एक्यूरेसी पे कैलिब्रेटेड नहीं होता। सेकंड, पेंसिल की एक मोटाई होती है। अगर 0.5 mm की पेंसिल की मोटाई है और आप 10 सेंटीमीटर पर जाएंगे तो आप 10 सेंटीमीटर से इधर उधर जाएंगे जाएंगे। थर्ड, जो पेज होता है वो 100% प्लेन नहीं होता है। पर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन से आज तक 10 सेंटीमीटर की लाइन उसको मानते आए हैं? सर्कल क्या, आप बताओ मुझे, अगर आपने एक पेज पे सर्कल बनाया तो इट इज़ नॉट अ सर्कल, इट इज़ एक्चुअली अ सिलेंडर, क्योंकि उसकी छोटी सी मोटाई तो होगी। तो अगर हम थोड़ा थोड़ी चीज़ों पर अटके रहेंगे तो हम हमेशा डिमोटिवेट होते रहेंगे। हमें, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, एक एग्जांपल मैं चैप्टर से लेता हूँ, और आपने वो 80% कंप्लीट कर लिया, अब आप उसको 100% कंप्लीट करने के चक्कर में लगे रहेंगे और वो होगा ही नहीं, तो आप हमेशा डिमोटिवेटेड फील करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में परफेक्शन हासिल करें, उससे आगे बढ़ जाया करें। सेकेंडली, मुझे एक बात और भी लगती है कि जब आप कोई अपना काम कर रहे हो तो उस पर आपका फोकस 100% होना चाहिए। आप बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दें, आपके घर में क्या चल रहा है। कई बार भाई
आपको रेबल होना पड़ता है, कई बार अपने घर वालों को कुछ प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, चाहे भले ही घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हूँ। अब हमारे लाइफ में बहुत बुरे फेज आए, लेकिन मैं बच्चों को कभी भी ये दिखाता नहीं था। एक कहानी मुझे इसमें याद आई कि एक बंदा है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे कुछ इसका इलाज बताएं। तो डॉक्टर बोलता है कि हमारे ही क्लिनिक के साथ में एक सर्कस है, वहाँ पर एक जोकर है, बहुत अच्छा हंसाता है लोगों को, तो वो जाके उसका शो देख। तो वो बंदा कहता कि सर वो जोकर मैं ही हूँ। तो एक्चुअली में वो बंदा खुद डिप्रेशन से जूझ रहा है और वो लोगों को हंसा रहा है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे फेज आए जहाँ हमारे बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मैंने ये दो चार जगह शेयर किया हुआ है, लेकिन हमने कभी भी ये अपने काम पर अफेक्ट नहीं होने दिया, हमने हमेशा अपना 100% दिया। मेरी फैमिली ने बोला, कई बार एक आध बार उनके मन में भी आया कि तू ये एक्सपेरिमेंट करता है, इससे टाइम वेस्ट होता है, या ये सब मत कर, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट आज जो रिजल्ट दिख रहा है ना लोगों को, मेरी मदर को, मेरे ब्रदर को, मेरी फैमिली को, मुझ पर प्राउड फील होता होगा शायद, कि भाई जो चीज़ों पर हम पहले कहते ना, लोग आपके आपकी छोटी छोटी बातों पर पहले ऐसे बात करेंगे कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो पूछेंगे कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो वो वाली बात है भाई, अगर आपको अपने ऊपर यकीन है कि ये एक अच्छा रिजल्ट देगा, ऑलवेज ट्रस्ट योर क्रेजी आइडियाज। हमेशा अपने क्रेजी आइडियाज पे आप ट्रस्ट रखें, वो आपको सक्सेस देंगे ही देंगे। थोड़ा बहुत रेबल होना पड़ता है, थोड़ा बहुत बागी होना पड़ता है, घर वालों से अगेंस्ट कभी कभार जाना पड़ सकता है, लेकिन जब आप कुछ साबित कर दोगे तो शायद वो समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो दोस्तों बहुत अच्छा सेशन रहा, मैंने क्वेश्चन भी पूछा, अगर क्वेश्चन मेरा डला तो मैं इस वीडियो से पहले डाल दूंगा। नेक्स्ट सेशन है 11:30 बजे, उसमें हम दोबारा जाएंगे और हो सकता है शायद संदीप सर से भी मिलने का मौका मिले और फोटोस देखते हैं खींच सकते हैं नहीं, बट बहुत अच्छा रहा। यहाँ कुछ लोग जो है वो सेल्फियाँ ले रहे हैं और वैसे वो है डिस्कवर योरसेल्फ जहाँ सेशन होते हैं। 3, 2, 1 गाइस, सेशन अटेंड कर ली है, दो दो सेशन थे आज। फर्स्ट सेशन में तो जो साइंस एंड फन का जिनका यूट्यूब चैनल है वो आए थे, और सेकंड सेशन में आए थे नितिश, और नितिश राजपूत नाम है उनका, और ये मिला है मुझे फाइनली सेशन से। इसमें जो है संदीप सर के जो हैं वो ऑटोग्राफ हैं और कुछ स्टिकर्स हैं, तो बहुत मज़ा आया। और उन्होंने हमें वेंसडे के लिए भी दोबारा इन्वाइट की, बट मैं वेंसडे नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा वर्किंग है। तो बहुत अच्छा रहा सेशन। अब मैं गाड़ी के पास आ गया हूँ और अभी मुझे जाना है, तो बहुत अमेजिंग रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा अब तक का। मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ, जो मैं आया सेशन अटेंड किया, मज़ा आ गया यार, क्या पॉजिटिव वाइब्स है। इसी मोटिवेशन के साथ और इसी स्माइल के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन पे ऑल कर देना, और भाई के व्लॉग को प्यार देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यार 1000 सब्सक्राइबर के नियर हूँ, प्लीज़ कंप्लीट करवा दो। तो मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इन्जॉय करते रहिए। बाय बाय।